हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये हुंडई की आई10 है, 2012 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। डैशबोर्ड क्यों खोलने जा रहे हैं? क्योंकि इसका हीटर जो कॉइल रहती है ना, यानी HVAC का जो हीटर कॉइल रहती है, वो लीकेज हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखें कूलेंट यहाँ से गिर रहा है। कस्टमर का कहना था कि कूलेंट कम हो रहा है बार बार, तो यहाँ से लीक हो रहा है। लीक होकर के कूलेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, नीचे गिर रहा था, इधर इस साइड गिर रहा था। तो इसकी वजह से हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। चलो फिर हम अपना काम चालू करते हैं, डैशबोर्ड खोलने का काम चालू करते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसका डैशबोर्ड लगभग पूरा खोल चुका हूँ, बस हमें इसको पलटी मारना है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये गियर बॉक्स भी खोला हूँ। गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा आपको, खोल के इधर पलटी मारा हूँ। जैसे ये एंगल है, ये रही, और ये वाली पट्टी इस साइड बैठता है, जो ये वाली खोला हूँ। ये दो सॉकेट निकाला हूँ, उसके बाद ये यहाँ की 10 नंबर खोला हूँ। उसके बाद इस साइड का दिखा देता हूँ आपको, ये रही इस साइड की, ये सब खोलना पड़ेगा आपको। ये 10 नंबर और अंदर की जो 10 नंबर है, दो वो खोलना पड़ेगा। स्टेयरिंग को निकाल चुका हूँ, ये रही दो सॉकेट खोलना पड़ेगा आपको, ये दोनों सॉकेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ की 2 10 नंबर खोलना पड़ेगा। अब ये सब खोल के बाहर जो वाइपर कॉल पैनल के ऊपर का कॉल पैनल खोलने के बाद जो दो बोल्ट दिख रही है, वो खोलना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों जो बोल्ट वाइपर कॉल पैनल खोलने के बाद ये दोनों बोल्ट खोलना पड़ेगा आपको। ये जो दो होल दिख रही है, ये वाली ऊपर वाली, दोनों खोलना पड़ेगा। उसके बाद एवापोरेटर कॉइल के एक्सटेंशन वाल के पास का जॉइंट, ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद हीटर दोनों पाइप निकाल के डैशबोर्ड मेरा इजीली बाहर आ जाएगा। तो चलो अब हम इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के सीट के ऊपर होल्ड करेंगे इसको। होल्ड करने के बाद फिर देखेंगे, इसका कॉइल वगैरह निकालेंगे हम। चलो फिर आगे हम देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने डैशबोर्ड निकाल चुका है इसका। अब रही कंट्रोल यूनिट निकालने जा रहे हैं हम। कंट्रोल यूनिट ये देख पा रहे हैं हम, इसको बाहर निकालेंगे। इसका जो 10 नंबर जितना भी है, सब खोल के हम फिर बाहर निकालते हैं आपको। बाहर निकाल के फिर आपको दिखाएंगे हम। आप देख पा रहे हैं, डैशबोर्ड हमने पूरा सीट के ऊपर होल्ड कर दिया है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। चलो बाहर निकाल के दिखाता हूँ फिर आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसका कंट्रोल यूनिट खोल चुका हूँ। देख पा रहे हैं अंदर कितना कूलेंट लीकेज होने की वजह से भर गया है। देखिए आप, ये वाली हीटर कॉइल यहाँ से लीकेज हो गया है, जिसकी वजह से पानी, ये कूलेंट पूरा अंदर जा रहा था, डैशबोर्ड के अंदर यानी नीचे गिर रहा था। और ये रही, मैंने इसको पूरा छुट्टा कर दिया है। और ये रही नया वाला हीटर कॉइल, जो कि हमने कंपनी से मंगाया है, परचेज किया है। आप देख पा रहे हैं, ये हम इसको फिटिंग करेंगे यहाँ पे, उसके यहाँ बैठता है ये हीटर कॉइल। तो चलो फिर हम इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको फिट कर चुका हूँ, फिटिंग कर चुका हूँ। अब हम इसको गाड़ी के अंदर फिटिंग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं कंट्रोल यूनिट AC क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बैठा चुका हूँ। फिर अब हम इसका डैशबोर्ड फिटिंग करेंगे, फिर आगे दिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, फाइनली हम इसको फिट कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं, सब कुछ फिट कर चुके हैं, बस हमारा गियर बॉक्स का पैनल लगाना बाकी रह गया, और यहाँ की स्विच बॉक्स के ऊपर का कवर लगाना बाकी रह गया। बस हम इसको फिटिंग कर दें, फिर गैस चार्जिंग वगैरह करके फिर आपको दिखाएंगे। फाइनली हम इसको फिट कर चुके हैं, इसका डैशबोर्ड वगैरह सब फिटिंग कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं, जो भी मैंने खोला था सब फिट कर चुका हूँ। अब हम इसको गैस चार्जिंग करेंगे। गैस चार्जिंग करके कूलिंग और हीटर का टेम्परेचर चेक करेंगे, प्रॉपर हो रहा है क्या, चल रहा है क्या नहीं। चलो फिर आगे हम चेक करते हैं। हमने इसमें गैस मार दिया है, लो प्रेशर देख पा रहे हैं लगा हुआ है, और गाड़ी चालू है अभी, देख पा रहे हैं AC भी चालू रखा है। अंदर देखते हैं कूलिंग टेम्परेचर कितना आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी गाड़ी चालू है, देख पा रहे हैं, और AC हमने चालू रखा है, ब्लोअर चालू है, AC चालू है, और कूलिंग टेम्परेचर देखिए अभी 11.3 है। थोड़ी देर चालू रखता हूँ, देखता हूँ कितना तक आ रहा है कूलिंग टेम्परेचर। जैसा कि देख पा रहे हैं, 8.6 पे आ चुका है, 8.3 पे, 7.9 पे, यानी कूलिंग अभी ड्रॉप हो रहा है, यानी कूलिंग प्रॉपर हो चुका है। अब हम इसका हीटर टेम्परेचर देख लेते हैं। हीटर हाई पे करता हूँ और हीटिंग टेम्परेचर देख लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, हीटर टेम्परेचर अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, 9.9 पे आ चुका, 10 पे। देखते हैं थोड़ी देर चालू करके कितना तक जा रहा है हीटिंग टेम्परेचर, जो कि मैंने हीटर कॉइल इसका रिप्लेस किया, तो देख लेते हैं प्रॉपर काम कर रहा है क्या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थर्मामीटर ऑफ हो गया, अभी 49 पे आ चुका है, यानी हीटर टेम्परेचर भी प्रॉपर आ रहा है। इसका सिस्टम सभी प्रॉपर हो चुका है,
तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़।